हाय गाइस, अब ये क्या टॉपिक है? इंडियन सोसाइटी वर्सेस लॉन्ग हेयर मैन। अब यार सुनो, ये टॉपिक तुम्हें अटपटा जरूर लग रहा होगा, सुनने में वियर्ड है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत वियर्ड है, बट ये टॉपिक जितना वियर्ड लग रहा है तुम लोगों को उतना इंपॉर्टेंट है। अगर यार तुम लोग लॉन्ग हेयर कर रहे हो, फिर करने की सोच रहे हो, या फिर कर चुके हो, तो तुम लोगों के लिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे कि तुम लोगों को लॉन्ग हेयर करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, करने के बाद भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि तुम्हारे सामने क्या क्या दिक्कतें आएंगी इंडियन सोसाइटी में, और मैं तुम लोग को मोटिवेट करने वाला हूँ जिससे तुम लोगों को लॉन्ग हेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और खास बात, मेरे सब्सक्राइबर का मुझे एक कमेंट आया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके फिर बनाया जिससे कि तुम लोगों की हेल्प हो सके। तो ये टॉपिक जितना वियर्ड है उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जैसे तुमने मन बनाया कि मुझे लॉन्ग हेयर करने हैं या मैं करना चाहता हूँ, और तुम लोगों ने लॉन्ग हेयर करना स्टार्ट भी कर दिया, बट एक ट्विस्ट तो वहाँ ही आ जाता है जहाँ तुम लोग लॉन्ग हेयर करने के 2-3 महीने बाद ऑकवर्ड स्टेज में पहुंच जाते हो। अब ऑकवर्ड स्टेज क्या है, इसकी सफाई मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज तुम लोगों को मैंने बता दिया है, एक वीडियो है पूरा मेरा, लॉन्ग हेयर आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वीडियो है, वो वीडियो आपको शो हो रहा होगा, उसको प्लीज जाके इस वीडियो के बाद देख लेना, तुम लोगों के सारे कन्फ्यूजन मिट जाने वाले हैं। अब इस टॉपिक का तो मेन मकसद ये है कि जहाँ पर तुमने लॉन्ग हेयर कर लिए उसके बाद तुम्हें दिक्कत क्या होने लगती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अब मान लो तुमने लॉन्ग हेयर कर लिए, अब तुम्हारा उसके बाद क्या हाल होने वाला है? अब तुम लोग यार सोचोगे यार ये तो डीमोटिवेट करने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो में तुम्हें इतना तो मोटिवेट कर ही दूंगा कि तुम लोग लॉन्ग हेयर के साथ रह पाओगे करने के बाद भी। अब तुमने लॉन्ग हेयर कर लिए और तुम जा रहे हो सीधी सीधी रोड पे, सिंपल रोड है, पर तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ तुम्हें देख रही है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक स्पॉटलाइट में चल रहे हो रोड के ऊपर। अब ये ख्याल आना तुम्हारे मन में नॉर्मल है, कुछ परसेंट ये सच भी है कि लोग तुम्हें देख रहे होते हैं। अब लोगों के लिए तुम नए हो, तुम्हारे लिए तुम पुराने हो, घर वालों के लिए तुम पुराने हो, बट लोगों के लिए तुम नए हो, तो वो तुम्हें देखेंगे, बट तुम्हें इन सब चीजों को इग्नोर करना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है तुम्हें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तुम सिर्फ सीधे सीधे चलो, अपना काम करो और आ जाओ, लोगों की तरफ ध्यान मत दो। और ये तुम लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, मुझे भी जब मैं रोड पे चलता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग मेरी तरफ ही देखते रहते हैं, और मैं फिर उन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं रहता, बिकॉज मैंने लॉन्ग हेयर करे, मेरे लिए नॉर्मल है, लोगों के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें भी ध्यान में रखनी है। अब तुम कोई शादी में हो या फिर कोई इवेंट या फिर कोई भी फंक्शन में हो, फैमिली फंक्शन, अब वहाँ पे तुम्हारे रिलेटिव्स भी आते हैं, तुम्हारे जान पहचान वाले लोग भी आते हैं, और वहाँ पे तुमने कर रखे हैं लॉन्ग हेयर, और सभी तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। ऐसा होना नॉर्मल है, बिकॉज उन लोगों के लिए तुम नॉर्मल नहीं हो, बट उनमें से कुछ अंकल लोग होते हैं, अब वो तुम्हें बुलाएंगे और पूछेंगे तुमने लॉन्ग हेयर क्यों किए, कैसे किए, किस लिए किए, और ये बात और बोलेंगे कि यार बड़े बुरे लग रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, सिंसियर रहो, थोड़ा नॉर्मल हेयर रखो, नॉर्मल बच्चों की तरह रहो, तुम्हें ऐसा बोलना नॉर्मल है। बट तुम उनसे झगड़ा मत करो, झगड़ा करने की जगह है उनको पोलाइटली जवाब दो कि अंकल आप लोग अपने टाइम के अंदर अपनी फैशन अपनाते थे और हम अपनी टाइम के अंदर हमारी फैशन करते हैं, और इसमें बुराई ही क्या है, मैंने हेयर लॉन्ग ही तो किए हैं और किया ही क्या है, मेरा नेचर तो वैसा का वैसा ही है ना, हेयर स्टाइल तो चेंज हुई है, उसमें बड़ी बात क्या है, उसमें तो कोई बुराई है नहीं। वहां कहते अंकल लोग चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, अगर कुछ बोलते भी तो कहना कि ये मेरी मर्जी, मेरी पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलो, ज्यादा कुछ मत बोलो। अब उनमें से कुछ तुम्हारी तारीफ भी कर देंगे, कोई जरूरी नहीं, मुझे भी बहुत सारे मिलते हैं, तारीफ करने वाले भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। अब उनमें से कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुम्हें ट्रोल करते हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हें ट्रोल करते हैं, कुछ तुम्हारे सपोर्ट में होते हैं। अब ट्रोल करने वाले को तुम सीधा सीधा जवाब दे सकते हो, देख यार तूने क्या हेयर स्टाइल कर रखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, वो तेरी पसंद है और ये मेरी पसंद है जो मैंने हेयर स्टाइल कर रखी है, और इसमें बुराई ही क्या है, तुम उन्हें ऐसे जवाब दे सकते हो, बहुत ही इजी है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे मॉम की एक फ्रेंड है, जब भी वो आती है तब मुझे बोलती, बेटा तुमने बहुत अच्छे हेयर लग रहे हैं, तुम्हारे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, कटवाना मत कभी भी इन्हें। तब मैं बोलता हूँ लोग, कई लोग बोलते हैं ये पूरे लगते हैं, बट वो मुझे क्या जवाब देती है, वो आप लोगों के लिए भी है कि बेटा जो लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं ना वो तुमसे जलते हैं कि तुम्हारे हेयर अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उन्हें जलन होती है, इसलिए तुम्हें ऐसा बोलते हैं। अब तुम भी ये सोच सकते हो कि जो तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं शायद वो ऐसा ही करते हो, जलते हो तुमसे, तुम्हें क्या पता,
जो ट्रोल करते हैं वो ऐसा होता है अक्सर, जो जलते हैं वो ट्रोल भी कर देते हैं। तो तुम्हें ऐसा सोचना है कि शायद ये जलता होगा इसलिए मुझे ट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। अब सुनो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें ट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। वो क्या है? सिंगर बनना है क्या, या सिंगर बन गया है, तबला बजाने वाला है क्या? कुछ ऐसे ही तुम्हें सवाल मिलते हैं। और एक ये भी, डांसर बन गया है क्या? तो ये चीजें तुम्हें अक्सर बोली जाती है, पर तुम इन सब का एक ही जवाब दो कि क्या दुनिया में यही लोग हैं जो लॉन्ग हेयर करते हैं? यही स्पेसिफिक है जो लॉन्ग हेयर करते हैं? उनका प्रोफेशन लॉन्ग हेयर करना नहीं होता, उनका सिंगिंग होता है, बट उनका शौक होता है इसलिए वो हेयर ग्रो करते हैं। उनका जो है कोई प्रोफेशन नहीं है जो लोग लॉन्ग हेयर करते हैं। तुम उन्हें ऐसे जवाब दो कि यार तुम लोग की सोच क्या है, सोचो तो सही कि तुम लोग की सोच वहीं अटकी है जहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि सिंगर ही हो सकता है जो लॉन्ग हेयर कर रहा है, या तबले वाला ही लॉन्ग हेयर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। वो ऐसा जवाब दो, लोग तुम्हें क्या बोल रहे हो वो मत सोचो, तुम सीधा जवाब दो। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम उन्हें जवाब दे दोगे ना वहीं पे, तो तुम्हें अगली बार वो ट्रोल नहीं करेंगे, ये तो पक्का कह रहा हूं मैं आपसे। मैं किसी को एक बार में ही जवाब दे देता हूं जिससे कि कोई मुझे ट्रोल करने लायक ही नहीं रहता। अगर तुम उससे एक बार में जवाब नहीं दोगे तो वो तुम्हें वापस ट्रोल करेगा, डेफिनेटली 5 लोगों के अंदर भी वो तुम्हें ट्रोल कर सकता है। तो इस चीज का तुम ध्यान रखो कि अगर तुम्हें कोई एक बार में ही कह रहा तो उससे वापस जवाब दे दो। जो मैंने एग्जाम्पल के लिए तुम्हें जवाब बताए ऐसे जवाब तुम दे सकते हो, और ये बोलने लायक नहीं छोड़ते अक्सर, तो ऐसे जवाब दो जिससे कि तुम्हें फिर कोई ट्रोल नहीं करेगा। अब हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो लॉन्ग हेयर के अलावा, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो लोग तुम्हें ट्रोल करने आ ही जाते हैं। तो हमारी इंडियन सोसाइटी है ही ऐसी कि काम तुम कर रहे हो तकलीफ लोगों को होती है, बट क्या तुम लोगों के चक्कर में अपना काम करना छोड़ सकते हो? जो तुम्हारा मन करता है मैं तो कहता हूँ वो करो, लोगों के चक्कर में तुम अपनी सोच मत बदलो, अपनी राय मत बदलो, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। जो तुम्हारा मन करता है वो करो। मैंने हमेशा मेरे मन की है, मुझे लॉन्ग हेयर करने थे, मैंने किसी की नहीं सोची, सिर्फ मैंने किए, और मैं आज आपके सामने लॉन्ग हेयर करके बैठा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई क्या बोले मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ जो मुझे करना होता है। और मेरा तो तुमसे कहना यही है कि लोगों के कहने पे मत चलो। हाँ, अगर तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे रहा है जो तुम्हारे लिए काम की, और तुम्हें अंदर से फील हो कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे करनी चाहिए, तो वो सलाह मैं तो कहता हूँ तुम्हें मानो, बट अगर तुम्हारे खिलाफ होती है वो चीज़ तो प्लीज उनकी बात को इग्नोर करो। अब यार मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया अच्छे से, अगर मैंने जो बोला है तुम वो सब करोगे तो डेफिनेटली तुम लॉन्ग हेयर कर पाओगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग हेयर करने के बाद भी। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइस।